नमस्कार दोस्तों, IPL 2020 में अब सिर्फ एक सप्ताह से भी कम का समय बचा हुआ है, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि IPL 2020 की सबसे खतरनाक टीम कौन सी है। सभी 8 टीमों की प्लेइंग 11 हम आपको बताने वाले हैं। बताएंगे हम कि आखिरकार कौन सी टीम है IPL की सबसे प्रबल दावेदार, जो कि इस IPL 2020 में कमाल कर सकती है। तो सभी टीमों की प्लेइंग 11 जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखते रहें। और साथ ही दोस्तों, आप भी इन 8 टीमों में से किसी एक टीम के फैन हैं तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक। और साथ ही साथ IPL के एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा कर रख लें। तो दोस्तों, IPL 2020 की शुरुआत 19 सितंबर से होने जा रही है, जहां पर पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाना है। वहीं पर दोस्तों, आपको बता दें कि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी शुरुआती मैच मिस कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सभी खिलाड़ी अपनी अपनी टीम के पहले मुकाबले के लिए अवेलेबल होंगे, यानी कि सभी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी थे वो सभी टीमों के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिरकार IPL 2020 की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 किस टीम की है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की, जिनके कप्तान हैं दिनेश कार्तिक। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से ओपनिंग में उतरने वाले हैं शुभमन गिल और सुनील नारायण। सुनील नारायण जहाँ पर काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते हैं, वहीं पर शुभमन गिल टीम को एक शानदार शुरुआत दे सकते हैं, यानी कि दो बेहतरीन ओपनर इस टीम की तरफ से ओपनिंग करने वाले हैं। इसके बाद नंबर 3 पर नीतीश राणा, 4 पर यान मॉर्गन, 5 पर आंद्रे रसल, 6 पर दिनेश कार्तिक और 7 पर रिंकू सिंह उतरने वाले हैं। टीम के पास यान मॉर्गन, आंद्रे रसल जैसे खतरनाक बल्लेबाज मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा नीतीश राणा, दिनेश कार्तिक और रिंकू सिंह भी टीम के लिए काफ़ी बेहतरीन पारियां खेल सकते हैं, यानी कि काफ़ी मजबूत बैटिंग लाइनअप नज़र आ रही है। इसके बाद गेंदबाजी की बात करें तो पैट कमिंस, शिवम मावी, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव मौजूद हैं। पैट कमिंस जो कि इस IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी, इसके अलावा कुलदीप यादव, शिवम मावी और प्रसिद्ध कृष्णा बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं पर चले दोस्तों, अब बात करते हैं सनराइज हैदराबाद की प्लेइंग 11 की। सनराइज हैदराबाद के कप्तान है डेविड वार्नर और ओपनिंग जोड़ी में उतरने वाले हैं इनकी तरफ से डेविड वार्नर और जॉनी बेरिस्टो। IPL की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी इसी टीम के पास रहने वाली है, क्योंकि जॉनी बेरिस्टो और डेविड वार्नर IPL के सबसे खतरनाक खिलाड़ी हैं। वहीं पर इसके बाद नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर उतरने वाले हैं केन विलियमसन, 4 पर मनीष पांडे, 5 पर विजय शंकर, 6 पर अभिषेक शर्मा और 7 पर उतरने वाले हैं राशिद खान। यानी कि शानदार बैटिंग लाइनअप इस टीम के पास मौजूद है, जिसमें केन विलियमसन जैसे खिलाड़ी मौजूद है। इसके अलावा मनीष पांडे, विजय शंकर, अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी हैं जो टीम के लिए काफ़ी शानदार प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं अब गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी में भी कई शानदार खिलाड़ी मौजूद है इस टीम के पास। भुवनेश्वर कुमार, संदीप शर्मा, खलील अहमद, सिद्धार्थ कोल या फिर इनकी जगह पर शहबाज नदीम को भी उतारा जा सकता है, यानी कि सनराइज हैदराबाद की टीम काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। वहीं पर अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल की टीम की प्लेइंग 11 की। दिल्ली कैपिटल के कप्तान हैं श्रेयस अय्यर। दिल्ली कैपिटल की तरफ से ओपनिंग में उतरने वाले हैं शिखर धवन और पृथ्वी शॉ, दो बेहतरीन ओपनर इस टीम के पास मौजूद हैं। शिखर धवन जहां पर एक अनुभवी बल्लेबाज है, वहीं पर युवा बल्लेबाज के तौर पर उतरने वाले हैं पृथ्वी शॉ। इसके बाद बात करते हैं नंबर 3 की, तो यहाँ पर अजिंक्य रहाणे उतरेंगे, नंबर 4 पर ऋषभ पंत, 5 पर श्रेयस अय्यर, 6 पर सिमरन हेटमायर और 7 पर रविचंद्रन अश्विन उतरने वाले हैं। टीम के पास काफ़ी शानदार बल्लेबाजी मौजूद है, जिसमें सिमरन हेटमायर, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, अजिंक्य रहाणे बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके बाद गेंदबाजी की बात करें तो अमित मिश्रा, 9 पर कंगिसो रबाडा, 10 पर ईशांत शर्मा और 11 पर संदीप लामिचाने उतरने वाले हैं। यानी कि इस बार और भी मजबूत नज़र आ रही है दिल्ली कैपिटल की टीम, जो कि बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है IPL 2020 में। अब बात करते हैं डिपेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस के कप्तान है रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस काफ़ी खतरनाक टीम है, IPL की 4 बार की चैंपियन है। इस बार ओपनिंग में उतरने वाले हैं रोहित शर्मा और क्यूटन डी कॉक, दो बेहतरीन ओपनर इस टीम के ओपनिंग करने वाले हैं। रोहित शर्मा जो कि काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, वहीं पर इनके साथ हैं क्यूटन डी कॉक। इसके बाद बात करते हैं नंबर 3 की, सूर्य कुमार यादव, 4 पर ईशान किशन, 5 पर हार्दिक पांड्या, 6 पर कायरन पोलार्ड और 7 पर कुणाल पांड्या उतरने वाले हैं। ऑलराउंडर और बल्लेबाजों से सजी इस टीम के पास लंबी बैटिंग लाइनअप मौजूद है, जिसमें कई खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि बेहतरीन प्रदर्शन करके टीम के बड़े स्कोर बनाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो राहुल चहर उतरने वाले हैं नंबर 8 पर, 9 पर जसप्रीत बुमराह, 10 पर ट्रेंट बोल्ट और 11 पर मिचेल मैकनिगन उतरने वाले हैं। हालांकि मिचेल मैकनिगन को जगह ना देकर यहां पर एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज के तौर पर मौका दिया जा सकता है क्रिस लिन को, जो कि काफ़ी आक्रामक बल्लेबाज हैं। यानी कि इस साल मुंबई इंडियंस की टीम
साल 2019 से भी और मजबूत नजर आ रही है इस समय। वहीं पर अब राजस्थान रॉयल्स की टीम की प्लेइंग 11 की बात करते हैं। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान है स्टीव स्मिथ। राजस्थान की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे जोस बटलर और रॉबिन उथप्पा। जोस बटलर काफ़ी आक्रामक बल्लेबाज हैं और साथ ही साथ रॉबिन उथप्पा भी एक बेहतरीन T20 प्लेयर है जिन्होंने IPL में कई बेहतरीन पारियां खेली हैं। तो एक खतरनाक ओपनिंग जोड़ी इस टीम के पास भी मौजूद है। इसके बाद नंबर 3 पर संजू सैमसन, 4 पर स्टीव स्मिथ, 5 पर बेन स्टॉक्स, 6 पर रियान पराग और 7 पर श्रेयस गोपाल उतरने वाले हैं। स्टीव स्मिथ इस टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हो सकते हैं। वहीं पर संजू सैमसन बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं पर अगर बेन स्टॉक्स टीम के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं तो उनकी जगह पर डेविड विंडलर को टीम में जगह मिलेगी। वहीं पर इसके बाद बात करते हैं नंबर 8 की, तो यहाँ पर उतरेंगे जोफ्रा आर्चर, 9 पर मयंक मार्कंडे, 10 पर जयदेव उनादकट और 11 पर अंकित राजपूत को मौका मिल सकता है। यानी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम के पास इस बार शानदार गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी मौजूद रहने वाली है। वहीं पर अब बात करते हैं किंग्स 11 पंजाब की, जिसके कप्तान है KL राहुल और इनकी तरफ से ओपनिंग करने वाले हैं KL राहुल और क्रिस गेल। यानी कि दो बेहतरीन ओपनर इस टीम की तरफ से भी उतरने वाले हैं। दोनों खिलाड़ी काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी के तौर पर जाने जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं नंबर 3 की, तो यहाँ पर उतरेंगे मयंक अग्रवाल, 4 पर ग्लेन मैक्सवेल, 5 पर मनदीप सिंह, 6 पर दीपक गुट्टा या फिर करुण नायर में से किसी एक को मौका मिलेगा और 7 पर उतरने वाले हैं कृष्णप्पा गौतम। यानी कि काफ़ी खतरनाक बल्लेबाजी इस टीम के पास भी इस बार दिख रही है, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल जैसे आक्रामक बल्लेबाज भी मौजूद हैं। इसके बाद गेंदबाजी की बात करें तो मोहम्मद शमी, नंबर 9 पर मुजीब रहमान, 10 पर सेल्डन कोटरेल और 11 पर ईशान पोरेल उतरने वाले हैं। सबसे अहम निगाहें यहाँ पर मोहम्मद शमी और सेल्डन कोटरेल पर रहेगी। तो इस बार किंग्स इलेवन पंजाब की टीम भी एक मजबूत टीम नज़र आ रही है, जो कि बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है। वहीं पर चले बढ़ते हैं अब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11 की तरफ। RCB के कप्तान है विराट कोहली और इनकी तरफ से ओपनिंग करने वाले हैं एडन फिंच। वहीं पर दूसरे बल्लेबाज के तौर पर या तो फिर पार्थिव पटेल उतरेंगे या फिर देवदत्त पदिगल। एडन फिंच इस टीम के एक ओपनर हैं, लेकिन दूसरे ओपनर के तौर पर अगर एवी डिविलियर्स विकेट कीपिंग करते हैं तो फिर वो पार्थिव पटेल नहीं होंगे, जबकि देवदत्त पदिगल हो सकते हैं। वहीं पर नंबर 3 पर विराट कोहली, 4 पर एबी डिविलियर्स, 5 पर मोइन अली, 6 पर शिवम दुबे और 7 पर क्रिस मॉरिस उतरने वाले हैं। दुनिया के सबसे आक्रामक बल्लेबाज विराट कोहली और एबी डिविलियर्स इसी टीम से आते हैं। वहीं पर इसके अलावा मोइन अली भी काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं, यानी कि बल्लेबाजी इस बार काफ़ी मजबूत है इस टीम की। इसके बाद बात करते हैं नंबर 8 की, तो शिवम वाशिंगटन सुंदर उतरेंगे, नंबर 9 पर युजवेंद्र चहल, 10 पर नवदीप सैनी और 11 पर उमेश यादव उतरने वाले हैं। यानी कि RCB की टीम भी इस बार काफ़ी खतरनाक दिख रही है। वहीं पर अब बात करते हैं हम चेन्नई सुपर किंग्स की। चेन्नई सुपर किंग्स के पास काफ़ी खतरनाक खिलाड़ी है और इनके कप्तान हैं महेंद्र सिंह धोनी। इनकी तरफ से ओपनिंग में उतरने वाले हैं शेन वॉटसन और मुरली विजय। तो बेहतरीन ओपनर इस टीम के पास मौजूद है, जो कि T20 में बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं। मुरली विजय और शेन वॉटसन पर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसके बाद बात करते हैं नंबर 3 की, तो यहाँ पर उतरेंगे अंबाती रायडू, 4 पर MS धोनी, 5 पर फेफ डू प्लेसिस, 6 पर केदार जाधव और 7 पर उतरने वाले हैं DJ ब्राओ। यानी कि बेहतरीन बैटिंग लाइनअप इस टीम के पास भी मौजूद है। बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ साथ यहाँ पर लंबी बैटिंग लाइनअप इस टीम के पास मौजूद है, जिसमें शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी मौजूद हैं। नंबर 8 पर उतरेंगे रविंद्र जडेजा, 9 पर दीपक चहर, 10 पर सरदोल ठाकुर और 11 पर इमरान ताहिर उतरने वाले हैं। रविंद्र जडेजा बेहतरीन ऑलराउंडर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा इमरान ताहिर और दो तेज गेंदबाजों की दीपक चहर और सरदोल ठाकुर हो सकते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स के पास भी बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। तो दोस्तों, इन सभी 8 टीमों में से आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कौन सी टीम इस बार IPL का खिताब जीत सकती है, हमें अपनी महत्वपूर्ण राय ज़रूर दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।